हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक नया मिंत्रा वर्सेस मीशो रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो, क्योंकि ये वाली वीडियोस मैं हर फ्राइडे पोस्ट करती हूँ। तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट वीडियोस। सो बिना रुके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही है, यहाँ पे मिंत्रा की, यहाँ पे मीशो की। तो ये एक ड्रेस है ब्लू कलर की, बहुत अच्छी दिख रही है एंड इसके साथ बेल्ट, आई डोंट थिंक सो बेल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमें ओपन करके पता चलेगा। तो ये मिल रही है, तो प्राइसेस मतलब उतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, दोनों ही एक्सपेंसिव नहीं है। एक 600 समथिंग है और दूसरा भी आप देख सकते हो प्राइस, तो ऑलमोस्ट 200 टू 300 रुपीज का फर्क है बस। तो हम लोग चेक करते हैं कि दोनों की क्वालिटी सेम रहती है कि नहीं रहती है, वो 200-300 रुपीज में क्या फर्क मिलता है हमें दोनों आउटफिट्स में, वी डोंट नो। तो पहले हम ओपन करते हैं मिंत्रा वाला। मिंत्रा का आज जल्दी ओपन हो गया है, एक हमेशा टाइम लगता है। बहुत ऐसे ओके, मैंने जैसे बोला था ना, बेल्ट है, बेल्ट दिया हुआ है। तो ये स्क्यू की है ड्रेस, तो और ये साइज एम है, तो हम इसे पहनते हैं एंड देन इसका रिव्यू करते हैं। ये फ्रॉक जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी और इमेज में जैसी थी, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे इसका पसंद ही नहीं आया, इसका लुक वगैरह नॉर्मल पतली सी क्वालिटी है कपड़े की, मिंत्रा की क्वालिटी खराब है। और ये बेल्ट मुझे डैमेज हो रहा था, मैंने कैसे तो भी जोड़ के लगाया। दिस इज लाइक इलास्टिक वाला बेल्ट है, किसी को भी फिट हो जाएगा। और पीछे बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि वो आराम से आप उसे फिक्स कर सको, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब सा ही लग रहा है और आई एम नॉट लाइकिंग इट। मतलब मेरे को आई डोंट नो कि मीशो वाला कैसा निकलेगा, लेकिन मिंत्रा का तो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन जो प्राइस दिया उसके हिसाब से भी ये मतलब उससे रद्दी है, जो प्राइस है ना उतने भी पैसे देने लायक नहीं है आउटफिट में। तो अभी हम मीशो वाला ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस मिलता है, वो इससे बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, कि इससे भी खराब निकलेगा, वी डोंट नो। तो लेट्स ओपन दैट पैकेट। क्यों ऐसे निकलना था, इमेज में अच्छा दिख रहा था यार, लेकिन ऐसे रियल इसमें अच्छा नहीं दिखा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है मीशो का, मीशो की भी इसमें बेल्ट दिया हुआ है, ये करते हैं, सेम ही दिख रहा है इससे, तो इसे पहन के देखते हैं। और ये मैंने ना एक्सेल मंगाया, एक्सेल साइज, ये एम साइज था एक्सेल, क्योंकि मेरे बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से मीशो में एक्सेल साइज परफेक्ट था। गाइस, ये है मीशो की फ्रॉक, मतलब वन पीस आउटफिट। तो ये ना वो इमेज से पूरी डिफरेंट है और मिंत्रा के इससे भी बहुत डिफरेंट है। जैसे मिंत्रा में एक स्लिट था बस, यहाँ पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बटन्स है, क्या बटन से बांध के रख सकते हो। ये जो बेल्ट है, बेल्ट का जो दोनों पार्ट जहाँ पे हम लगाते हैं और जिसका एंड रहता है, वो दोनों एक ही पार्ट पे, तो बेल्ट को फोल्ड करना पड़ा मेरे को कि वो एक ही साइड में लग जाए अच्छे से बटन। तो थोड़ा सा है इसकी फिटिंग मुझे मिंत्रा वाले से अच्छी लगी, लेकिन सेम क्वालिटी दोनों की सेम है, घटिया जो अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ही मतलब कपड़े की, कपड़ा इज नॉट एट ऑल नाइस और बहुत अजीब सा ही फिटिंग है दोनों के इसमें। आई डोंट नो कैसा है, मतलब मैं दोनों में से तो कोई चूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर चूज करने रहा तो मैं मीशो वाला चूज करूंगी, वो बेटर है मिंत्रा वाले से। तो सो ये ऐसा दिख रहा है, पीछे से भी आपको दिख रहा है वो, लेकिन जो हमें इमेज में दिखा वैसा तो नहीं आया है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैंने सोचा नहीं था यार ऐसी ड्रेस आएगी, बट स्टिल कोई नहीं, हमें पता तो चल गया यार कि ऐसा भी आता ही है, तो जाने देते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं एंड अगर आपको ये आउटफिट्स खरीदना है, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन स्टिल अगर आपको खरीदना है, आपको अच्छी लग रही है, तो मैं ये आउटफिट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।